हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 9, इनसे सीखो कविता। सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग 2 की पुस्तक का पाठ 9 इनसे सीखो खोल लीजिए। इस कविता में हमने यह सीखा कि हमें संसार की हर एक वस्तु से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हमें फूलों से हंसना, आम की डाली से झुकना, चींटी से मेहनत करना, धुएं से ऊपर उठना, सूरज की किरणों से दूसरों को रोशनी देना, सुई और धागे से बिछड़ों को मिलाना और दिए और बाती से संसार को रोशनी देना सीखना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने इस कविता की रेसिटेशन, सार, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग और अर्थवाक्य डिस्कस किए थे। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की कक्षा में हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है मौखिक प्रश्न, यानी कि ओरली। बेटा, इसमें पहले प्रश्न का उत्तर लिखकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही बुक पर लाइन ड्रॉ करके सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। हमारा पहला प्रश्न है, बादल से आप क्या सीख सकते हैं? हमारा उत्तर है, ठंडक पहुंचाना। बाकी के 2 प्रश्न आप मम्मी पापा की हेल्प से खुद लिखेंगे। मैं प्रश्न आपके साथ वर्बली डिस्कस कर देती हूँ। प्रश्न, अपने पिताजी की कौन सी अच्छी बात आप सीखना चाहते हैं? प्रश्न, अगर सुई धागा ना होते तो क्या होता? हमारी अगली एक्सरसाइज है लिखित, उत्तर लिखिए। बेटा, इसमें पहले प्रश्न का उत्तर लिखकर आपको लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने भी ऐसे ही आंसर फिलअप में फिल करने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? इसका उत्तर है, फूलों से हम डैश सीख सकते हैं। बेटा देखिए, आपका आधा उत्तर तो बुक में पहले ही लिखा है। आपने सिर्फ इसका आंसर छोटा सा फिल करना है। तो इसका आंसर है, फूलों से हम हंसना सीख सकते हैं। बाकी के प्रश्न मैं आपके साथ वर्बली डिस्कस कर देती हूँ। इनके उत्तर आप मम्मी पापा की हेल्प से खुद लिखेंगे। प्रश्न, चींटी हमें क्या सिखाती है? अगला प्रश्न, धुएं से हम क्या सीख सकते हैं? हमारी अगली एक्सरसाइज है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। बेटा, ये लाइंस आपकी बुक के पैरे में से कविता में से ली गई हैं। आपने कविता में से पढ़कर इन लाइंस को कंप्लीट करना है। मैं आपके लिए लाइनें पढ़ देती हूँ। फूलों से नित डैश, डैश नित गाना। बेटा, यहाँ पर नित यहाँ से काटकर यहाँ पर आगे लिखना है। आम की डैश, डैश झुक जाना। चलिए अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं, भाषा ज्ञान यानी कि ग्रामर। यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज है, बिछुड़ों को मिलाइए। बेटा, यहाँ पर 2 लाइंस दी गई हैं। इस लाइन का नाम हम रखेंगे क, यहाँ पर ऊपर क लिख लीजिए। और इस लाइन का नाम हम रखेंगे ख, यहाँ पर ख लिख लीजिए। अब क लाइन वाले वर्ड्स की यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। हमारी क लाइन में शब्द हैं, फूल, मुर्गा, चींटी, भौरा, सूरज। और ख साइड में वर्ड है, गाना, मेहनत करके खाना, हंसना, जगमग करना, जगना और जगाना। तो बेटा, हमने क साइड वाले वर्ड्स की ख साइड वाले वर्ड से मैचिंग करनी है। आपकी हेल्प के लिए मैं आपको पहला वर्ड मैच करके मैचिंग करने का ढंग बता देती हूँ। बाकी के शब्द आप खुद मैच करेंगे।
जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है फूल। फूल हमें क्या सिखाते हैं? हंसना। आपने पोएम में पढ़ा है ना, तो पहले का आंसर होगा हंसना। फूल का नंबर कौन सा है? नंबर वन। तो हम नंबर वन यहाँ पर लिख देंगे। आपने बाकी के वर्ड्स को ऐसे ही आपस में मैच करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, हमने हर एक शब्द के दो अलग अलग मीनिंग लिखे हैं। वर्ड सेम है बट उनके दो अलग मीनिंग लिखने हैं। लाल का एक मीनिंग यानी अर्थ लिखेंगे बेटा यानी कि सन, और लाल का एक और मीनिंग लिखेंगे रंग यानी कि कलर। अगला शब्द हार, हार का एक अर्थ यानी मीनिंग लिखेंगे पहनने वाला हार, फूलों की जो माला होती है माला, और हार का एक और मीनिंग लिखेंगे पराजय यानी कि हार जाना। अगला शब्द जड़, जड़ का एक मीनिंग लिखेंगे मूल, मको बड़ी ऊल मूल, जड़ का एक और मीनिंग लिखेंगे मूर्ख यानी कि फूलिश, मको बड़ी ऊ ख के ऊपर रे मूर्ख। अगला शब्द मान, मान का एक मीनिंग लिखेंगे गर्व यानी कि प्राउड, ग व के ऊपर रेफ गर्व। मान का दूसरा मीनिंग लिखेंगे मानना यानी कि अग्री करना, ए जी आर डबल ई अग्री। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। बेटा यहाँ पर दो लाइंस हैं, इस लाइन का नाम हम रखेंगे क और इस लाइन का नाम हम रखेंगे ख। यहाँ पर क लिख लीजिए और यहाँ पर ख लिख लीजिए। अब क साइड वाले वर्ड्स की नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। हमारे पास क वाले साइड में वर्ड्स हैं आज, रात, सुई, ऊंची, और ख साइड में वर्ड्स हैं धागा, नीची, कल, दिन। तो हमने इनके आपस में उल्टे अर्थ यानी ऑपोजिट वर्ड्स का मैचिंग करनी है। बेटा पहले शब्द की मैचिंग मैं आपको लिखकर बता रही हूँ ताकि आपको लिखने का ढंग पता चल जाए, मैचिंग करने का ढंग पता चल जाए, बाकी क्या खुद सॉल्व करेंगे। जैसे पहला शब्द है आज, आज का उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या होगा? कल। तो बेटा बाकी के शब्द खुद मैच करेंगे। तो चलिए बेटा अब आपने इन सभी शब्दों की, सभी एक्सरसाइज की अच्छी तरह दोहराई करनी है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को रफ कॉपी पर अच्छी तरह लिखकर रिवाइज करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।